are going to discuss the very first organ of respiratory system, the nose and nasal cavity. This is the first organ of respiratory system. इसमें जो air की entry है, इसी nose से ही शुरू होती है. लेकिन इसमें जब एंट्री एयर की होती है तो एयर की जो फिल्ट्रेशन, एयर की वार्मनेस और ह्यूमिडिफिकेशन ये से स्टार्ट होती है. और ये कैविटी नोज हमारी इज अ सेंस ऑफ स्मेल, ये स्मेल ऑल्फैक्टरी फंक्शन दे करता है. सो इट इज अ वेरी इररेगुलर कैविटी, बिल्कुल इररेगुलर होता है, जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. एंड डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, यहाँ पर दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है. दो इस तरह नॉस्ट्रिल बनते हैं, एक्सटर्नल नेरेस. इसके रूट में जो इसकी रूट है ये इसमें नेजल बोन है, इसमें एथमॉइड बोन है और इसमें फ्रंटल बोन है. इसकी जो फ्लोर है इसकी जो फ्लोर है ये माउथ की क्या है, इसकी जो फ्लोर है ये माउथ की रूफ है. तो इस दोनों को यहाँ पर ये डिवीजन होता है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी. इसके जो नेजल सेप्टम है इसकी हम बात करें, जिसने नेजल कैविटी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये सेप्टम कार्टिलेज से बना होता है. इस तरह अगर यहाँ बात करें तो ये नेजल सेप्टम है, ये कार्टिलेज से बना होता है. लेकिन ये कौन से बोन के ऊपर रखा हुआ होता है, ये एथमॉइड बोन के ऊपर होता है जिस तरह आप देख सकते हैं, और वोमर बोन के ऊपर ये इसके साथ अटैच होता है. और ये कार्टिलेज फिर एक्सटर्नल नर्व्स को टू सेक्टर में डिवाइड करता है. उसके बाद इसके जो नेजल सेक्टर है इसको हम मीडियल वॉल भी कहते हैं. फिर लेटर वॉल में मैक्सिला जो बोन है और एथमॉइड बोन, इसके जो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर इसकी लेटर वॉल भी बनाते हैं. और पोस्टीरियरली नेजल क्यूटी की क्या है, फेरेंस है. तो जब हम फेरेंस की डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं, तो जब हम नेजोफेरेंस की बात करते हैं तो ये नोज इसकी जो फेरेंस की ओपनिंग होती है एक दोनों नोस्ट्रिल में होती है, दो ओपनिंग इसकी एयर्स में होती है और एक ओपनिंग इसकी ओरल क्यूटी में होती है. पांच इसकी ओपनिंग होती है. तो इसकी जो दो ओपनिंग है इसके एंटीरियरली ये नेजल कैविटी है और नेजल कैविटी के पोस्टीरियरली क्या है, फेरेंस होती है. उसके बाद इसकी जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल से बना होता है और इसमें गॉबलेट सेल है और एज्यूरो के गॉबलेट सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस और वही म्यूकस जो हमारे नोज में होती है व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ह्यूमिडिफिकेशन फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. तो ये म्यूकस कौन सी सेल म्यूकस को प्रोड्यूस करता है, गॉबलेट सेल. और जो इनर लाइनिंग ऑफ नोज से ये कौन से कॉलमनर एपिथेलियल से बना है, सिलिएटेड इसलिए होते हैं कि ये एयर को मूव करने में हेल्प करती है. और जो अंदर जो डस्ट होती है जो म्यूकस के साथ मिलती है तो ये फिर नीचे आकर इंफीरियर पार्ट ऑफ द पेरेंट्स में आती है, या तो हम उसको स्वॉलो करते हैं या हम उसको स्पिट करते हैं. नेजल क्यूविटी की फंक्शन की बात करते हैं तो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि सबसे पहला ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो एयर की एंट्री यहाँ से शुरू होती है और पैसेजवे होती है फॉर एयर, पैसेजवे फॉर एयर. फिर एक और फंक्शन है वार्मिंग. तो ड्यू टू रिच कैपिलरीज या ड्यू टू हाई मस्कुलेचर वेसल या कैपिलरीज इस क्यूटी में ज्यादा होते हैं, तो इसी वजह से जैसे ही एयर एंटर होती है नोज में तो ये वार्म होना शुरू होती है. फिर ह्यूमिडिफिकेशन नेजोलैक्रिमल डक्ट और वाटर वेपर और गॉबलेट से म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ये एज अ ह्यूमिडिफाई करते हैं एयर को. फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग, जो नेजल हेयर्स है ये डस्ट पार्टिकल को एयर को फिल्ट्रेट करके डस्ट पार्टिकल इसी से मिल जाते हैं और म्यूकस जो गॉबलेट सेल बनाते हैं ये डस्ट पार्टिकल को और इसको टेयर करते हैं. कहां पर टेयर करते हैं, इंफीरियर फेरेंस में. तो इंफीरियर फेरेंस में या तो स्वाब करते हैं हम लोग इसोफेगस के जरिए या हम इसको स्प्रेड करते हैं.
तो ये जो डस्ट पार्टिकल है या जो इस तरह के पार्टिकल है फॉरन जो एयर के साथ एंटर होते हैं उसको नीचे लंग्स तक जाने से रोकते हैं ये म्यूकस और हेयर्स। फिर सेंस ऑफ स्मेल भी करते हैं, स्मेल फंक्शन भी है इसका, जो नर्व एंडिंग कहां पर है, रूट ऑफ द नेजल कैविटी, रूट ऑफ द नेजल कैविटी। ये नर्व एंडिंग रूट ऑफ द नेजल कैविटी इस जो व्हाट एवर जो भी स्टिमुलस है जिसमें ऑर्डर होता है, व्हाट एवर जो भी ऑर्डर वाली केमिकल है उसको स्टिमुलेट करते हैं नर्व एंडिंग को, और फिर ये ब्रेन में चले जाते हैं और कौन सा हमारे सेंस होता है, सेंस ऑफ स्मेल। तो ये बाकी इसकी फंक्शन है, एयर की एंट्री, एयर की पैसेजवे, वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग और एज अ सेंस ऑफ स्मेल इसकी फंक्शन है। सो कंटिन्यू विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी आर गोइंग टू डिस्कस फेरेंस। रेस्पिरेटरी सिस्टम की नेजल कैविटी के बाद जो ऑर्गन शुरू होती है वो होता है फेरेंस। तो ट्यूब शेप होता है, 12 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग होता है, स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल और एंड ऑन एस्फेगस। तो स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल और एंड कहां पर होता है, सिक्स वर्टेब्राई, सर्वाइकल वर्टेब्राई। इस डायग्राम को अगर देखें तो डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए फेरेंस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। फेरेंस का वही पार्ट जो कि एंटीरियरली नोज के साथ अटैच है उसको हम नेसोफेरेंस कहते हैं। फेरेंस की वही पार्ट जो एंटीरियरली माउथ कैविटी के साथ अटैच है उसको हम ओरोफेरेंस कहते हैं, और फेरेंस की वही पार्ट जिसके एंटीरियरली लेरेंस होता है उसको हम लेरिंजोफेरेंस कहते हैं। अब हम इसको अगर देखें तो फेरेंस फनल शेप, इस फनल शेप होता है, ऊपर इसकी जो ओपनिंग है ये बड़ा होता है, नीचे फिर अंदर होता है, तो ये फनल शेप है। एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल और सिक्स वर्टिब्रा या एसोफेगस तक इसकी एंड है, फनल शेप है। इसके सुपीरियर क्या है, हम अगर या एबीएस स्कल लें तो सुपीरियर भी क्या है, बेस ऑफ स्कल। अब हम इंटीरियरली देखें तो इंटीरियरली इसके इंटीरियरली जो वॉल है वो इनकम्प्लीट है ड्यू टू द ओपनिंग वेल, नोज ड्यू टू द ओपनिंग वेल, ओरल कैविटी ड्यू टू द ओपनिंग वेल, लैरिंक्स। तो इंटीरियरली वॉल इसकी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट विद नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंक्स। अगर हम इंफीरियरली बात करें तो ये किस कौन से ऑर्गन के साथ अटैच है, इंफीरियरली इसके एसोफेगस से। पोस्टीरियरली यहां पर टिश्यू एल्वियोलर टिश्यू है और मसल है, वही मसल जब हम स्वेलिंग करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमारे इंटरनल मेडिटेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब अगर ये इसकी स्ट्रक्चर है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर है और स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल और एंड कहां पर होता है, एसोफेगस पे या सिक्स वर्टिब्राए पे। अब अगर हम बात करें तो ये वाला जो नेसोफेरेंस है इसमें एयर की एंट्री होती है नेसोफेरेंस में, और जो ओरोफेरेंस है इसमें फूड और एयर दोनों की पैसेज वे है। इस तरह हम अगर लेरेंस की बात करें तो लेरेंस में भी एयर की पैसेज वे है, और फिर जो लेरिंजोफेरेंस है इसमें लेरिंजोफेरेंस में फूड और एयर दोनों की पैसेज वे है, दोनों के लिए बात वे पैसेज वे है। अब अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो फेरेंस की फंक्शन क्या है, सो
तो फेरेंस की फंक्शन की हम बात कर रहे थे, तो फेरेंस की फंक्शन वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइंग, जिस तरह नेजल क्यूविटी में वार्मिंग और ह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस होती है, सेम उसी तरह इस तरह फेरेंस में भी होती है। और टेस्ट एज ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग होते हैं और फेरेंस के में, तो वो एज अ सेंस ऑफ टेस्ट भी हमें देता है। अब हियरिंग की बात करते हैं, तो अगर हियरिंग की बात करें तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि फेरेंस में 5 होल्स होते हैं। 2 होल्स जो है वो ईच ईयर तक होती है, 2 होल आपके दोनों इंटरनल जो नोज है वहां तक 2 ओपनिंग होती है, और एक ओपनिंग इसके ओरल कैविटी में है। तो ये टोटल इसके 5 होल हो गए हैं। अच्छा, 5 होल की अगर हम बात करें तो ये दोनों एयर तक जारी है, एयर के दरमियान एक्सचेंज आपके होती है कि एयर के अंदर एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो, मेंटेन हो। तो इस वजह से ये हमें एज अ हियरिंग फंक्शन में भी हेल्प करता है। इस तरह ये प्रोटेक्शन कैसे करता है, ओरोफेरेंस में टॉन्सिल्स होते हैं जो कि एज अ इम्यून सिस्टम काम करता है, इम्यून सिस्टम में इसका रोल होता है, और फिर एज अ रेजोनेटिंग चैंबर स्पीच में भी हेल्प करता है। तो ये फंक्शन ऑफ द फेरेंस है सारे। So, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंटिन्यू रखते हुए हम रेस्पिरेटरी एक और ऑर्गन को आज पढ़ते हैं, लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि वॉइस की प्रोडक्शन इसी ऑर्गन में होती है। इट इज अ ट्यूब शेप कार्टिलेजिनियस ऑर्गन, इसमें 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज से बना है ये। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया, फेरेंस और ट्रिकिया के दरमियान लोकेटेड है, एंड इट इज लाइज इन द फ्रंट ऑफ नेरोफेरेंस। जिस तरह हम बात कर रहे थे फेरेंस की, जब हमने डिवाइड किया था तो फेरेंस की 3 पार्ट्स थे, एक पार्ट जो इंटीरियर टू पोस्टीरियर टू लैरिंक्स था। तो अभी लैरिंक्स क्या है, फेरेंस से इंटीरियर भी है, इससे फ्रंट पे है, 3rd, 4th और 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा में ये लोकेटेड है। इसकी जो डिफरेंस है, जेंडर डिफरेंस होती है, लेकिन ये डिफरेंस अंडर प्यूबर्टी ये बहुत कम होती है, और इसी साइज की वजह से जो हम फिनोमेना कहते हैं एडम्स एप्पल, मेन में इसकी जो साइज ज्यादा होती है और लो पिच साउंड क्रिएट होती है, जिस तरह की जेंडर में साउंड की डिफरेंस होती है, तो लेटरल डिफरेंस होती है। फिर अगर हम बात करें ये हमारे पास क्या है, लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, तो ये नेजल कैविटी है, ये नेसोफेरिंक्स है, ये ओरोफेरिंक्स है, और ये वाला फेरिंक्स क्या है, लैरिंजोफेरिंक्स। तो ये अगर हम बात करें तो इससे ऊपर क्या है, सुपीरियर क्या है, द रूट ऑफ द टॉन्ग आउट हायर बोन। तो सुपीरियर क्या है, रूट ऑफ रिटर्न या हायर बोन। इससे अगर आप पोस्टीरियरली देखें तो क्या है, लैरिंजोफेरिंक्स। पोस्टीरियरली क्या है, लैरिंजोफेरिंक्स। अगर आप इससे इंफीरियर देखें तो ये कंटिन्यू है विद ट्रेकिया, तो इंफीरियर क्या हो गया, कौन से ऑर्गन है, ट्रेकिया। अब अगर एंटीरियर लीज के साथ जो सपोर्टिंग मसल है वो क्या है, एंटीरियर लीज के पास क्या है, मसल, सपोर्टिंग मसल। लेटरल साइड पे इसके दोनों लेटरल साइड पे थायराइड लोब्स होते हैं। लेटरल साइड पे क्या होते हैं, थायराइड लोब्स। इसकी ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर पे अगर हम अभी बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स है। ये जो वोकल कॉर्ड है इस पार्ट को हम ग्लॉटस कहते हैं, वोकल कॉर्ड से जो ऊपर पार्ट है उसको हम सुप्रा ग्लॉटस कहते हैं, वोकल कॉर्ड से जो नीचे पार्ट है उसको हम सब ग्लॉटस कहते हैं। अब एपिग्लॉटस जो यहाँ पर है इसका मेन काम क्या होता है, जो कि सुप्रा ग्लॉटस में लोकेटेड है, जब हम खुराक लेते हैं तो ये खुराक जब हम स्वॉलिंग रिफ्लेक्स बनते हैं हमारी बॉडी की, तो स्वॉलिंग रिफ्लेक्स के लिए ये लैरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं।
तो ऊपर आने की वजह से ये एपिग्लॉटस ये जो लैरिंक्स वाली पार्ट है इसको क्या करता है, क्लोज करता है। इसको क्लोज करता है तो ओरा कहां पर आएगी, एसोफेगस की तरफ आएगी। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो फूड पार्टिकल है उसको प्रिवेंशन के लिए एपिग्लॉटस क्या होता है, क्लोज होता है। तो ये इसका एक स्टॉप फंक्शन है। अब हम लैरिंक्स की फंक्शन की बात करते हैं। तो फेरेंस की फंक्शन पे बात करते हैं, तो सबसे जो पहला फंक्शन है रेस्पिरेटरी की, इज अ रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या है कि पैसेजवे ऑफ एयर, एयर के लिए क्या है एक पैसेजवे एयर जिसमें भी आगे ट्रेवल होती है लैरिंक्स के से फिर कहां पर चले जाते हैं, ट्रेकिया में। तो सबसे पहला क्या है, पैसेजवे फॉर एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोकल कॉर्ड इन लैरिंक्स। जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये एक्सहेल की वजह से ये वोकल कॉर्ड क्या होता है, वाइब्रेट होते हैं और इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोडक्शन होती है। तो इसलिए हम इस लैरिंक्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इस जिस तरह बाकी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन वार्मिंग ऑफ एयर करते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, सेम उसी तरह लैरिंक्स भी ये फंक्शन कर रहा है। और प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक किस तरह प्रोटेक्ट करता है, जिस तरह हमने बात की है कि एपिग्लॉटस जो ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ये हमारे लैरिंक्स को ब्लॉक करता है और फूड पार्टिकल कहां पर चली जाती है, एसोफेगस की तरफ। तो फूड पार्टिकल से लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाते हैं। ये कौन करता है, ये सारे लैरिंक्स की क्या है, फंक्शन है।